पिछोर नगर के रेस्ट हाउस पर विधायक प्रीतम लोधी जी ने विकास के मुद्दे को लेकर पत्रकारों से प्रेस वार्ता। पिछोर विधानसभा के पत्रकारों को किया विधायक प्रीतम लोधी ने सम्मानित। खबर पिछोर विधानसभा से है, जहां पर पिछोर नगर के रेस्ट हाउस पर खनियाधाना पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता के दौरान विकास के मुद्दों को लेकर की चर्चाएं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव समापन हुए और भाजपा सरकार बनी, इसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए और लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए और बताया गया कि ऐसा चुनाव इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बात विवाद और ना ही बेईमानी, ना भ्रष्टाचारी, केवल ईमानदारी के साथ कोरे कागज की तरह चुनाव संपन्न हुआ। विधायक प्रीतम लोधी जी ने बताया कि दोनों चुनाव संपन्न हुए और पत्रकारों को बुलवाया है, क्योंकि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होते हैं और पिछोर विधानसभा के विकास को लेकर पत्रकारों से भी कुछ चर्चाएं हो गई कि हम पिछोर को किस तरह से नया पिछोर बना सके और कैसे गरीब लोगों की सहायता कर सके। वहीं पर पत्रकारों ने विधायक प्रीतम लोधी जी से सवाल किया कि अभी तक पिछोर विधानसभा में किसी भी विभाग में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होते और कई दिनों तक हितग्राहियों को परेशान किया जाता। तब वहीं पर विधायक प्रीतम लोधी जी ने बताया कि किसी भी विभाग में कोई रिश्वतखोरी नहीं चलेगी और अभी चुनाव थे, चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन अब दोनों चुनाव संपन्न हैं, किस तरह से बेरोजगारी को रोजगार मिल सके। और बताया कि हम नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर एवं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पद चिन्हों पर चलकर पिछोर की जनता की सेवा करेंगे। खनियाधाना पिछोर को जिला बनाने की मांग भी थी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक सभा में खनियाधाना पिछोर को जिला बनाने के लिए कहा था कि तुम हमें विधायक दो, हम तुम्हें जिला देंगे। इस पर पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, मैं एवं महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को याद दिलाएंगे और जल्द खनियाधाना पिछोर को जिला बनाएंगे। भाई ऐसी प्रेस वार्ता के दौरान पिछोर खनियाधाना विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पिछोर विधानसभा के पत्रकारों का राम लाल की प्रतिमा पेन डायरी देकर एवं माला पहनाकर सभी पत्रकारों का सम्मान भी किया। इस सम्मान समारोह के बाद सभी पत्रकारों ने पिछोर खनियाधाना विधायक प्रीतम सिंह लोधी को धन्यवाद ज्ञापित किया। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। आज जो प्रेस वार्ता रखी है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर, किस चीज को लेकर प्रेस वार्ता रखी है? पहले तो सारी प्रेस वालों को बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। विधानसभा चुनाव समापन हुए, सरकार बनी मध्य प्रदेश में भाजपा की, लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा भी चुनाव संपन्न हुए और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। ऐसा चुनाव इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है, न कोई झगड़ा, न तूतुमे में, न बेईमानी, न भ्रष्टाचारी, एकदम बिल्कुल कोरे कागज की तरह ये स्वच्छ चुनाव मोदी जी ने जो लोकसभा का करवाया है, इसको लेकर दोनों चुनाव निपट गए। 4 तारीख के बाद केंद्र में सरकार बनने जा रही है, इसके ऊपर हमें पत्रकारों से चर्चा के लिए हमने बुलवाया है, क्योंकि पत्रकार एक स्तंभ होता है देश का, जैसे सरकार स्तंभ होती है, प्रशासन स्तंभ होता है, ऐसे ही बहुत अच्छी भूमिका रहती है पत्रकारों की भी। तो देश के अंदर पत्रकार चाहें तो देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा पत्रकारों से भी पिछोर के बारे में कुछ सलाह ली जाए कि कहाँ कहाँ कमियाँ पिछोर के अंदर हैं और 30 साल में क्या क्या नहीं हुआ, उसकी जानकारी के लिए हमने पत्रकारों को बुलवाया है। क्योंकि मैं नया नया विधायक बना हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है। अब मैं आगे ये मान के चलो कि आज से बाद में ही ये मान के चलिए हम विधायक बने हैं, काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि विधानसभा के बाद में तुरंत ही लोकसभा चालू हो गई थी तो लोकसभा में लग गए थे। अब हम चार सब चीज़ों से निष्पक्ष होकर अब एक ही लक्ष्य रह गया है हमारा कि हमें पिछोर की जनता को पिछोर के लिए, विकास के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं, किस किस का साथ लिया जाए, कैसे काम किया जाए, इसके बारे में हमने ये पत्रकार वार्ता ली है। तो कुछ तो पत्रकार बंधुओं से भी सलाह लूंगा मैं। विधानसभा चुनाव के समय में पिछोर खनियाधाना को जिला बनाने की मांग का एक वो किया था, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी अब यही रहेगी कि जिला कैसे बनाया जाए, जिला की प्रक्रिया कैसे शुरू हो, क्योंकि
माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, अब सरकार ने हमारी ने मोहन जी बना दिए हैं मुख्यमंत्री, मोहन जी को हमें अवगत कराना पड़ेगा। लेकिन सौभाग्य ये प्राप्त हो गया हमें कि साथ में हमारे श्रीमंत महाराज सिंधिया जी भी थे, तो उनने चुनाव सीपरी पिछोर से लड़ा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत बड़ा हमें लाभ मिला इस चीज़ का, क्योंकि उस चीज़ों लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल मेरे को क्या है कि एक साथ मिल गया है मुझे, बहुत एक अच्छे लीडर का साथ मिल गया है हमें, क्योंकि पहले मैं ऐसा लगता था जैसे इकलौता सा पड़ रहा हमें, लेकिन अब मुझे महाराज का भी साथ मिलेगा प्रगति और विकास के अंदर, तो ये भी हमारे पिछोर के लिए एक मान के लिए सौभाग्य की बात है और पिछोर निवासियों के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि भी है ये कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला। ये हमारा नेतृत्व जो हमारी केंद्र में सरकार बनने जा रही है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, जो जिसकी हमारे तीसरी बार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि जो काम अभी तक किसी ने सोचा नहीं था वो चीज़ें हो रही हैं और वो चीज़ें होने जा रही हैं। पृथ्वी पर तो झंडा फहराया ही फहराया है, लेकिन ब्रह्मांड में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहरा दिया है चंद्रमा पर। तो पहले लोग कहते थे कि कलयुग में अवतार होगा, कोई ऐसा व्यक्ति अवतार लेगा जो कि कलयुग में देश को आगे ले जाएगा, पृथ्वी को बदल देगा। तो हमें तो ये नज़र आता है कि हमारे देश को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो एक कलयुग में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति ने भगवान ने अवतार ले लिया है। मैं तो उनको भगवान की उपाधि दूंगा कि जो चीज़ 500 साल से राम भगवान का मंदिर नहीं बना सके हम लोग, पूरी सरकारें नहीं बना सकी, 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, फटे टेंट में भगवान रहे।